यूक्रेन युद्ध में जब रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेनी अनाज के एक्सपोर्ट के रास्ते बंद किए थे तो पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे यूरोपीय देशों को यह डर था कि यूक्रेनी अनाज के उनके बाजारों में आने से उनके यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर यूक्रेन के सस्ते अनाज के बिकने पर बैन लगा दिया था। लेकिन नेटो देश पोलैंड ने यूक्रेनी अनाज के एक्सपोर्ट के लिए अपने यहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग का समाधान निकाला था और यूक्रेन का अनाज पोलैंड के रास्ते बाकी देशों में एक्सपोर्ट होने लगा। लेकिन अब पोलैंड के किसानों ने फिर से यूक्रेन बॉर्डर को अपने ट्रैक्टर से बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद उसके सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल पोलैंड के किसानों का मानना है कि पोलैंड के रास्ते जो यूक्रेन का अनाज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पोलैंड के बाजारों में भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड के किसानों को उनकी फसल का जायज दाम नहीं मिल पा रहा। पर किसानों का ये प्रदर्शन यूक्रेनी अनाज तक तो ठीक था, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट पुतिन समर्थन की ओर मुड़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर पर पुतिन समर्थित बैनर लगा दिखाई दिया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन और ब्रुसेल्स को सुलझाने का आग्रह किया गया था। आपको यहाँ ये भी बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों ने यूक्रेन के विरोध और पुतिन के समर्थन में नारेबाजी भी की, जिससे बौखलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वास्तव में स्थिति अनाज की नहीं बल्कि राजनीति की है। Кожен зрозуміє, що Україна не може змиритися з тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим більше із тим, що там почали з'являтись відверті пропутінські гасла. Це неправильно і антисолідарно. І, зокрема, у вчорашньому випадку з нашим зерном, яке висипали із вагону, це було ще й просто неправдиво. Бо ані граму з того збіжжя не везли у Польщу на продаж. Дощ Москви на наших землях, дощ непорозумінь, не можемо ще взаємне упокажеч. Не можемо упокажеч ані українських, ані польських прольників. Потребуємо єднощі, потребуємо розв'язань між нами, Україною, а Польською, і на пожомі цілої Європи. हाल के दिनों में सीमा के दोनों ओर के लोग एक दूसरे के विरोध में उतर आए हैं। इस महीने की शुरुआत में ही कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर जमीन पर यूक्रेनी अनाज फेंकने के बाद पोलैंड में यूक्रेनी दूतावास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दूतावास के अधिकारियों ने इसे शर्मनाक अपराध कहा था, जबकि पश्चिमी यूक्रेनी शहर लविव के मेयर एंड्री सदोवाय ने प्रदर्शनकारियों को रूस समर्थक उकसाने वाला करार दिया था। वहीं पोलैंड ने कहा कि वो चेक सीमा के करीब प्रदर्शन में ट्रैक्टर पर पुतिन समर्थन के बैनर की जांच कर रहा है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पोलैंड सबसे बड़ी चिंता के साथ यूक्रेनी विरोधी नारों और व्लादिमीर पुतिन की प्रशंसा करने वाले नारों और हाल की कृषि नाकेबंदी के दौरान उनके द्वारा छेड़े गए युद्ध पर ध्यान देता है। दरअसल यूक्रेन को युद्ध में समर्थन करने के लिए ब्रुसेल्स द्वारा यूक्रेनी उत्पादों के लिए टैरिफ और कोटा हटाए जाने के बाद 2022 में यूरोपीय संघ का कृषि बाजार बुरी तरह से चरमरा गया था। इस फैसले के कारण पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, साथ ही यूरोपीय संघ के नेतृत्व और क्षेत्र की सरकारों के बीच विवाद भी हुआ था। यहाँ तक कि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल किया गया
तो शामिल करने की शर्तों में वर्तमान सदस्य देशों के किसानों की उचित सुरक्षा करनी होगी।